दुकान खोलने की मांग को लेकर झारखंड सैलून कर्मी और पार्लर संघ ने रांची में प्रदर्शन किया। जमशेदपुर, चाईबासा समेत कई जिलों में आए सैलून कर्मचारियों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वे लोग सड़क पर आ गए हैं, घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। सैलून कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने दिया जाए, सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। छह महीनों है, हमारी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि ना हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लायक हो गए हैं और ना ही अपने जो हमारे स्टाफ है उनको हम कोई सहायता दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टाफ हमारे यहाँ ऐसे काम कर रहे हैं कि वो लोग साथ साथ में अपनी जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, और इन छः महीनों में हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है जिनके वजह से हम ना उनको पेमेंट दे पा रहे हैं और ना ही वो लोग अपने शिक्षा के लिए अपने टीचर्स को या जहाँ भी वो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। झारखंड जी से निवेदन है कि हमारे घर को बचाएं। हमारा सैलून आज 4-5 महीना हो गया है और बंद है, हमारे एम्प्लॉयज बंद हैं, हमारा किराया चल रहा है, अब हम बहुत बुरी स्थिति में आ चुके हैं, इकोनॉमी खुल रहा है। मैं चाहता हूँ झारखंड में इलाज का प्रबंधन कराया जाए, इकोनॉमी को नहीं बंद कराया जाए। हम लोग खुद अपना काम कर रहे हैं और खुद पैसा कमा रहे हैं, हमें कोई फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अगर आप हमारा काम बंद कर दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट।